राजपूत है, सेडवा अध्यक्ष है श्री राष्ट्रीय कर्णी सेना के, भीक सिंह जी साता जिनके मैंने नाम लिए हैं, कृपया करके जल्दी आए क्योंकि आपका इंतजार करने वाली काफी लोग हैं। और मैं अपने बड़े भाई योगेंद्र सिंह कटार से कहना चाहता हूं, यहां मारवाड़ में एक प्रथा है, पूत जने तो एडो जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। आप बेफिकर रहें, जब मारवाड़ को याद किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कटार साहब और यहाँ की पूरी टीम, जितने भी सर्व समाज के लोग पहुंचे हैं, मेरे से बड़े हैं, उनके चरणों में धोक हम उम्र साथियों को जय माता दी की हुकम, जय मां करनी। नौजवान साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जहां भी चैलेंज किया जाता है, चाहे वो चैलेंज हो सरकार का, चाहे चैलेंज हो कोई नेता का, या चैलेंज हो किसी और का, चैलेंज को स्वीकार करना मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई चैलेंज तो करता है हमें। आपने देखा होगा, मैं बाड़मेर के अंदर आया था और सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी रूलिंग है कि कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। पर यहाँ की गंदी राजनीति के कारण और उस गंदी राजनीति के दबाव में पुलिस के कुछ अधिकारी आ जाते हैं और एक्सीडेंट को 302 में बदल दिया जाता है। ये यहाँ क्यों होता है, इस धरती पर क्यों हो रहा है? पहले चारण समाज को टारगेट बनाया गया और अब राजपुरोहितों को, कल मैंने अखबार में देखा था, टारगेट बनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है गर्दन के अंदर, इसलिए आवाज थोड़ी दबाव में है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब आप ध्यान दीजिए। लोग गालियां क्यों देते हैं? एक सच्चा सिपाही मैच की रोटी खा करके जाता है तो ये तो क्या पुलिस वाला है, बदल करती है तो राजस्थान पुलिस करती है। राजस्थान पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा धर्म और राज में जो बिराजे हुए, करती है तो राजस्थान पुलिस करती है। राजस्थान पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। Yeah.